रतनगढ़ डायल 100 पुलिस स्टाफ ने पेश की मानवता की मिसाल। प्रसव पीड़ा से पीड़ित आदिवासी महिला का डायल 100 में प्रसव कराकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आमतौर पर पुलिस की छवि आम जनता में नकारात्मक बनी हुई है। गुंडों बदमाशों में तो डर रहना वाजिब है, लेकिन आम जन भी पुलिस के आसपास भटकने में भी कतराता है। लेकिन वास्तव में कभी कभी पुलिस वाले भी जन सेवा एवं मानवीयता की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। ऐसे में इनकी तारीफ करना भी जरूरी है। ऐसी ही घटना गुरुवार एवं शुक्रवार की दरमियान रात्रि गश्त के दौरान रतनगढ़ में देखने को मिली। पुलिस स्टाफ द्वारा रात्रि गश्त के दौरान भ्रमण करते समय बादशाह पेट्रोल पंप जाट रोड पर प्रातः 4 बजे 100 डायल चालक एवं पुलिस स्टाफ ने एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा से पीड़ित सड़क किनारे खुले में छटपटाते हुए देखा। महिला के साथ मौजूद परिजनों से पूछने पर उन्होंने महिला का नाम श्रीमती किरण पति सुनील बारिया निवासी ग्राम मोद जिला झाबुआ मध्य प्रदेश का होना बताया एवं यहां काम की तलाश में मजदूरी का कार्य करना बताया। आदिवासी परिवार के पास जानकारी का अभाव एवं कोई परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस स्टाफ के द्वारा प्रसूति पीड़ा से पीड़ित आदिवासी महिला एवं परिवार जनों को डायल 100 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनगढ़ पर लाते वक्त डायल 100 वाहन में ही रास्ते में सुरक्षित प्रसूति हो गई। रात्रि गश्त कर रहे पुलिस स्टाफ सहायक उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश साखला, पुलिस आरक्षक संदीप जाट, पुलिस आरक्षक विजय हिंदल एवं 100 डायल चालक पवन बैरागी की सजगता एवं सूझबूझ से महिला व नवजात को सुरक्षित प्रसव के पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनगढ़ पर सुरक्षित वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस की इस मानवीयता भरे कार्य के लिए गरीब आदिवासी परिवार की महिला के पति सुनील बारिया एवं परिजनों ने रात्रि गश्त कर रहे रतनगढ़ पुलिस थाने के स्टाफ की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद अर्पित किया।